हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें, अदरवाइज हमें नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 7 नहीं आएगा तो ये सोच लीजिए आप चैप्टर नंबर 11 तक आप काम नहीं कर पाओगे। अगर इसमें से कुछ बच्चे जो भी जितने भी सुन रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर दूसरे साथी कोई नहीं भी देख रहे हैं, नहीं कर रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे भी फोन पे डिस्कस करें, उन बच्चों को भी बताएं कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, इस पे किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। तो मैं एक्सरसाइज 7.3 करवा रहा हूं, जहां पे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कम्प्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना मुश्किल नहीं है एक भी सिंगल पार्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर है मुश्किल तो एक ही बात है कि वो सब्स्टिट्यूट क्या करे। और सब्स्टिट्यूट करना है वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, कि हम अंदर उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा रिजल्ट है वो ये कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बन जाए। कंडीशन गिवन है भाई एक्स के लिए -1 > x < 1, तो बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे आप पुट कर दोगे x = cos θ, क्या रख दें भाई x को हमें cos θ, तो y = कहलाएगा cos inverse √1 + cos θ / 2 है, तो ये बनेगा cos inverse √1 + cos θ है वो 2 cos²θ / 2, एंगल का हाफ हो गया भाई, डिवाइड बाई 2 से 2 डिवाइड हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, कोस इनवर्स और ये कोस स्क्वेयर से रूट हट गया, तो आप लिख सकते हो cos inverse √cos θ / 2, कोस इनवर्स से कोस डिवाइड क्या बन गया, θ / 2। अब थीटा में नहीं, हमारा क्वेश्चन तो एक्स वेरिएबल में है, और एक्स वेरिएबल में है तो यहाँ एक्स की टर्म में वापस लाओगे तो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया है x = cos θ है, तो यहाँ से θ = क्या कहलाएगा, cos inverse x, तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपका, 1/2 cos inverse x बन गया। अब डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx = 1/2 × cos inverse x का डेरिवेटिव -1/√1 − x² बन गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सेकंड अपने पास, लेट y = cos inverse √2 × √1 − x² है, और -1/√2 से + 1/√2 तक हमारे पास यहाँ पे x के लिए इंटरवल गिवन है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिए क्या कर देंगे भाई, इसके अंदर पुटिंग x = इसमें देखिए आप sin θ भी रख सकते हो और cos θ भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ से x के प्लेस पे मैंने sin θ पुट कर दिया, तो आपका y क्या कहलाएगा भाई, cos inverse √2 sin θ / √1 − sin² है, तो cos² बनेगा, ये cos θ बन जाएगा। y = cos inverse √sin²θ बन गया। अब बाहर तो cos इनवर्स है, अंदर आपके पास है sin, तो cos इनवर्स है तो cos इनवर्स ये तो रहेगा, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं तो केवल किसको, sin को। sin को अगर cos में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, π/2 − θ की फॉर्म में। अब थीटा के प्लेस पे यहाँ 2θ है तो 2θ है, तो cos 90 − θ है वो sin θ होता है, मैंने sin θ को cos 90 − θ की फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ से ये कैंसिल, y = π/2 − 2θ। आपने यहाँ पे x को पुट किया है sin θ, तो इसके अकॉर्डिंग θ = क्या बन जाएगा, sin inverse x, तो आप इसका डेरिवेटिव ना पहले थीटा को वापस पुट करो भाई, π/2 − 2 sin inverse x हो गया, और जब आप x के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो π/2 = 0 − 2 as it is, sin inverse x का डेरिवेटिव 1/√1 − x²
जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस टू अपॉन में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया भैया। तो ये आपका सेकंड पार्ट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान दोगे पार्ट नंबर थर्ड है, और थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, लेट वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कंडीशन है x की यहाँ पे क्या माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन है। x है वो माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक बिलोंग कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, पुटिंग x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, या फिर आपको अगर याद हो तो ये किसका फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स का है। किसका है, टू टेन इनवर्स एक्स का। डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कर रहे हो तो एक्स को टेन थीटा पुट कर दो। वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि आप लोग लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा का फॉर्मूला है अभी प्लस वन का याद हो। यहाँ टेन इनवर्स से आपका टेन है वो कैंसिल हो गया, तो बना क्या टू थीटा बन गया। तो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग थीटा किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, और थीटा टेन इनवर्स एक्स के इक्वल बनेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई इज इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव में हम कोई परेशानी नहीं, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू टू इंटू में टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया टू अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर है वो इसका डेरिवेटिव आ गया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट आपके पास है भाई बिल्कुल सेम है पार्ट नंबर फोर्थ है। फोर्थ पार्ट में भी आपको मैं बता दूं कि आपको एक्स को क्या पुट करना है, टेन थीटा ही पुट करना है। फोर्थ पार्ट में एक्स को आपको क्या पुट करना है, टेन थीटा ही पुट करना है, क्योंकि लेट वाई इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x को अगर आप यहाँ टेन थीटा पुट कर दोगे तो ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो सेम आपका थर्ड पार्ट की तरह से ही हो जाएगा जिसको आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ है हमारे पास। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स माइनस में फोर एक्स क्यूब है। तो जब साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, और साइन का फॉर्मूला बनाना है तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर एक्स को आप यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दोगे, तो वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ थ्री साइन थीटा माइनस में फोर साइन क्यूब थीटा बन गया, जो कि याद हो तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा बन गया, और यहां से ये डिवाइड हो गया, y इज इक्वल्स टू थ्री थीटा आ गया। जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग देखिए आपका यहाँ से जो थीटा बनेगा ना वो आ रहा है साइन इनवर्स x के इक्वल, तो y इज इक्वल्स टू आ गया थ्री इंटू साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू थ्री इंटू वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि थ्री अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट पे आगे बढ़िए पार्ट नंबर सिक्स है अपने पास। लेट वाई इज इक्वल्स टू कह रहा है कोट इनवर्स ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स है। यहाँ पे आप लोग पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो आपका y इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोट इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अब देखिए एक तो ये डायरेक्ट बन रहा है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला, और ये टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा लेते हैं तो बाहर हमारे पास टेन इनवर्स नहीं कोट इनवर्स है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग यहां से देखिए वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा है वो इक्वल होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा के। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे यहां से तो अपने पास यहां से क्या बनेगा भाई, इसमें वन प्लस टेन थीटा अपॉन में वन माइनस में टेन थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल लोगे तो कोट बन गया, तो कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा बन गया।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा, इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा बन गया। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट यहां से क्या बना भाई, पाई बाई फोर माइनस थीटा। तो आप देखिए जहां सब्स्टिट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा टेन इनवर्स एक्स, कर दो डेरिवेटिव इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर जीरो माइनस टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल बन गया है। पार्ट नंबर सेवंथ पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो क्या है भाई, हमारे पास टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर है। y इज इक्वल्स टू क्या है भाई अपने पास, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर है। बस ध्यान रखना है यहां पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वेयर को टेन थीटा, एक्स को नहीं भाई, किसको, एक्स स्क्वेयर को टेन थीटा पुट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा बन गया भाई। और यहां इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कहलाएगा, ये y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ, हम अच्छे से जानते हैं कि ये टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला है, तो ये कैंसिल हो गया और आपका यहां से जो y बनेगा वो इक्वल्स टू आ गया किसके भाई, पाई बाई फोर प्लस थीटा। लेकिन जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे बनेगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, क्या बनेगा भाई, टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ डेरिवेटिव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, पाई बाई फोर का तो क्या हो गया डेरिवेटिव जीरो हो गया भाई, और टेन इनवर्स का करोगे तो वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या बन गया, एक्स रेज टू दी पावर फोर, और इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल आ गया किसके भाई, टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स रेज टू दी पावर फोर के इक्वल आ गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर सेवन। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर एट है, और एट्थ पार्ट के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो एट्थ पार्ट में ये कह रहा है, लेट y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू एक्स है। तो आपको पता है कि यहां x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे, तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन में टू टेन थीटा हो गया है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। या अगर मैं आपसे कह दूं कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोट टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू टेन थीटा हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, कोट टू थीटा, वाई इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ कोट टू थीटा, ये कैंसिल, y इज इक्वल्स टू टू थीटा। आपने x को क्या रखा था, टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। तो ये डेरिवेटिव लिखने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर नाइन, लेट y इज इक्वल्स टू है भाई टेन इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स है। अगर रूट तो नहीं लगा हुआ होता तो हम टेन में पुट कर देते, और रूट अप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोस में अप्लाई करेंगे तभी हम रूट को हटा सकते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू, अब x को ओनली कोस में रख दोगे तो इस a का सॉल्यूशन नहीं है, इस a का सॉल्यूशन करने के लिए उस कोस के साथ क्या लगना चाहिए, a लगना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू a कोस थीटा पुट कर दिया मैंने। तो ध्यान दीजिए y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट क्या कहलाएगा, a माइनस a कोस थीटा डिवाइड बाई a प्लस a कोस थीटा हो गया। तो ये बनेगा अपना टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट a कॉमन ले लो तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन में वन प्लस कोस थीटा बन गया।
तो इसकी हेल्प से क्या कर लेंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू अपॉन में टू कोस स्क्वेयर थीटा बाई टू से टू डिवाइड साइन स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर है तो ये टेन स्क्वेयर बन गया, स्क्वेयर से रूट कैंसिल तो ये बन गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स से टेन डिवाइड y इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में टू है। तो यहाँ पे ध्यान रखो आपने जो पुट किया है वो पुट किया है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, यहाँ से थीटा फाइंड करना भी सीखना है आपको। पहले a को उधर ले जाओगे आप लोग, x अपॉन a इज इक्वल्स टू cos थीटा, अब cos इनवर्स इधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए आ जाएगा तो वन अपॉन में टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर देना, आपको डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट है कोस इनवर्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर मीन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपोन ए का डेरिवेटिव वन अपोन में आ गया। तो यहां से सोल्व करोगे आप वन अपोन में टू इंटू माइनस वन अपोन में ए स्क्वेयर एलसीएम ले लोगे तो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो आ जाएगा, यहाँ अपोन में ए स्क्वेयर है वो रूट से फ्री हो गया इंटू वन अपोन में ए है तो इस ए से ये ए क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या बना भाई माइनस वन अपोन में टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बन गया। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट बन गया। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, फिफ्थ जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये कह रहा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फर्स्टी पार्ट अपने पास बनता है लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन अपॉन में रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां से एक बात का अच्छे से ध्यान कर लो आप लोग, अगर रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पुट करोगे तो आइदर x इज इक्वल्स टू टेन थीटा और कोट थीटा, या तो टेन थीटा पुट करना पड़ेगा या कोट, क्यों भाई टेन तो करते हैं तो ध्यान दो वन प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा है वो तो इक्वल होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा आगे में, और कोट पुट करते हैं तो वन प्लस कोट स्क्वेयर है वो होता है किसके कोसिकेंट स्क्वेयर की। अब डिपेंड करेगा कि बाहर अपने पास क्या है, अब ये रूट में है, रूट में है तो रूट लगेगा तो सीकेंट और कोसिकेंट आना है, वन अपॉन सीकेंट तो कोस होता है और वन अपॉन कोसिकेंट साइन होता है, हमें जरूरत किसकी है भाई साइन इनवर्स है तो साइन की जरूरत है। तो क्लियर है यहाँ क्या पुट कर दोगे एक्स इज इक्वल्स टू कोट थीटा, एक्स को कोट थीटा पुट कर दो, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बन गया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वेयर, क्या बताया अभी कोसिकेंट स्क्वेयर और रूट है तो ये कोसिकेंट थीटा बन गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बन गया जो कि आपके पास थीटा के इक्वल आ गया। अब थीटा यहां से क्या बनेगा, थीटा बनेगा कोट इनवर्स एक्स, तो इससे डेरिवेटिव अगर आप लोग कर दोगे तो क्या कहलाएगा माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड पे आ जाइया, सेकंड आपसे कह रहा है लेट वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ फोर रूट एक्स अपॉन में वन माइनस में फोर एक्स है, तो इसको आप लोग क्या करोगे ध्यान दीजिए टेन इनवर्स ऑफ टू इंटू टू रूट एक्स, देखो फोर को टू इंटू टू लिख सकते हैं और अपॉन में अपने पास वन माइनस में फोर एक्स है, इसको आप टू रूट एक्स का स्क्वेयर लिख सकते हो। देखो ये तो जैसा क्वेश्चन है वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, याद किसी को नहीं रहता, प्रैक्टिस करते हैं जितना बार बार लिखते हैं हम लोग उतना ही हमें याद हो जाता है।
अब ये बन गया टेन इनवर्स टू थीटा अपॉन वन माइनस में थीटा स्केयर, या ये कह लो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर। तो किसका फॉर्मूला बन गई, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। या तो ऐसा करो आप लोग कि टू रूट एक्स है, इसको आप क्या पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर दो भाई टू रूट एक्स को, उससे फॉर्मूला बन जाएगा। या प्लस टू का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का याद कर लो कि टू टेन इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस फर्क इतना आपके पास एक्स की जगह टू रूट एक्स है, एक्स के प्लेस पे कितना है टू रूट एक्स है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, टू टेन इनवर्स टू रूट एक्स। अब डेरिवेटिव कर दो भाई यहां से, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो गया, टू इंटू में टेन इनवर्स टू रूट एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स हो जाएगा, इंटू में टू रूट एक्स, टू एज इट इज रूट एक्स का वन अपॉन में टू रूट एक्स, टू से टू डिवाइड हो गया, जो भी बच गया वो आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका पार्ट नंबर है सेकंड। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।